देश भर में मनाया जाने वाला महापर्व छठ की तैयारियां औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में भी बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय निवास करते हैं, जिसके चलते यहां पीथमपुर में स्थित संजय जलाशय तालाब और बगदुन सागर तालाब पर नगरीय प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की जाती है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि छठ महापर्व के लिए नगर के तालाबों पर लाइट टेंट के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि शहर के रहवासी धूमधाम से अपना छठ महापर्व मना सके। वहीं छठ महापर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है। इसमें 3 दिन व्रत किया जाता है, जिसमें पहले दिन की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। इस दिन व्रती सात्विक भोजन खाते हैं, जिससे छठ पूजा का शुभारंभ होता है। यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान व्रती उगते और ढलते सूर्य की पूजा कर उसे अर्घ्य देते हैं। साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास रख छठी माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 4 दिवसीय पर्व के दौरान सभी के घरों में छठ पूजा के गीत बजाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में ढेकुआ बनाया जाता है, तरह तरह के फल चढ़ाए जाते हैं। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। बताएं, छठ महापर्व है आज से, क्या तैयारियां नगर पालिका की तरफ से की गई और क्या व्यवस्थाएं रहेगी? नगर पालिका की तरफ से सबसे पहले तो छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामना नगर पालिका पीथमपुर एवं प्रदेशवासियों को। छठ पर्व के दिन कई हजारों की संख्या में छठ माता पूजन के लिए हमारे भाई लोग संजय जलाशय बगदुन तालाब पे जाते हैं। उसके लिए हर साल की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से हमने लाइट, बिजली, टेंट, रोड वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है, पानी पीने की व्यवस्था कर दी गई है और सभी लोगों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। आपका नाम? सुरेश पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।